नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि सोरायसिस ठीक होने के बाद भी आखिर स्किन पर ये वापस क्यों आ जाती है। आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ट्रीटमेंट हमने लिया, इतने दिनों का ट्रीटमेंट लिया, तो ठीक होने के बाद आखिर सोरायसिस जो है वो दोबारा हमारे स्किन पे क्यों आ गई, आखिर रीअपेयर क्यों हुआ। तो इसके जो रीजंस हैं उनको मैं आज बताऊंगी आपको, और आपको वो फॉलो भी करनी है कि इन रीजंस को हम कैसे अवॉइड करें जिससे हमारा जो सोरायसिस ठीक हो चुका है वो दोबारा रीअपेयर ना हो हमारे स्किन पे। तो अगर हम पहला रीज़न देखते हैं तो वो है वायरल इन्फेक्शन या किसी भी तरीके का फीवर हो, चाहे वो टाइफाइड फीवर ही क्यों ना हो। जब हमें वायरल इन्फेक्शन होता है या टाइफाइड फीवर होता है या डेंगू होता है या मलेरिया होता है, तो जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने की वजह से जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं वो और भी ज़्यादा हाइपर एक्टिव होती हैं। हाइपर एक्टिव होने के वजह से हमारे जो स्किन का रेट ग्रोथ रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है और सोरायसिस है वो ट्रिगर हो जाती है। अब आप लोगों को पहले भी मैंने इसके बारे में बता रखा है कि आखिर सोरायसिस क्या है। सोरायसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसे हमारी खुद की इम्यूनिटी ही हमारे खिलाफ काम करती है। तो सेम जैसे ही हमें वायरल इन्फेक्शन होगा हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ काम करेगी और सोरायसिस जो है वो दोबारा से ट्रिगर हो सकता है। तो अब आपको इससे बचने के लिए क्या करना है कि अब आपको अपनी इम्यूनिटी को खुद ब खुद थोड़ा सा हेल्दी बनाना है, नेचुरल वे से बनाना है कि दोबारा आपको सर्दी जुकाम कोई किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन ना आए। अगर हम दूसरे रीज़न की बात करते हैं तो दूसरा रीज़न है वो है हमारी डाइट। जैसे कि हमने आपको बता रखा है कि अगर हम में सोरायसिस है तो हमें क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। अगर हम नॉनवेज वगैरह हमने आपको मना किया हुआ है, स्वीट्स हमने आपको मना किया हुआ है, पैक फूड हमने आपको मना किया हुआ है, फास्ट फूड हमने आपको मना किया है, तो ये आपको ठीक होने के बाद भी ये मना है ये चीज़ें। अगर आप कभी भी फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं या नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं तो आपके सोरायसिस जो है वो दोबारा से ट्रिगर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी अगर हम ऐसे डाइट फॉलो कर रहे हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो डिस्टर्ब होगा, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो टॉक्सिन जो है वो हमारे बॉडी में ही रहेगा और हमें बीमारियां आएंगी। कभी लीवर की बीमारी आएगी, कभी कोलाइटिस की बीमारी आएगी। तो अगर हमें इन चीज़ों से बचना है तो हमें अपनी डाइट पर फॉलो करना है। अगर हम तीसरा रीज़न की बात करें तो वो है लीवर। अगर लीवर में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, चाहे वो लीवर हमारा फैटी हो, चाहे SGOT इंक्रीज हो या SGPT इंक्रीज है, तो भी सोरायसिस जो है वो ट्रिगर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर हमें फैटी हमारा लीवर अगर फैटी है और एंजाइम्स जो हैं लीवर के बढ़े हुए हैं, अगर आपको कोलाइटिस की भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या होगा, इससे आपका पेट जो होगा वो क्लियर नहीं होगा, स्टूल जो होगा वो आपका चिपचिपा सा दिखेगा, जिसके वजह से टॉक्सिन जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टूल से वो बाहर ही नहीं आ रहा है। जब स्टूल से टॉक्सिन बाहर ही नहीं आएगा और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा तो भी सोरायसिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं और दोबारा से ये रीअपियर हो जाते हैं हमारे स्किन पे। अगर हम लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें सोरायसिस को ट्रिगर होने के लिए तो वो है हमारा माइंड। यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, हमें छोटी छोटी बातों से भी हमें फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जा रहा है, तो भी सोरायसिस जो होगा वो ट्रिगर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम को डिक्रीज़ करने के बजाय वो इंक्रीज होती है। तो इसीलिए आप खुश रहिए, अगर जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो चीज़ें आप करिए। अगर ऐसी जिन चीज़ों में आपको खुशी नहीं मिल रही है, आप उदास हैं, अगर आप लोगों की बातों को सोच के उदास हैं या छोटी छोटी बातें अगर कोई भी पर्सन अगर आपको कह रहा है कि आपको सोरायसिस जो है वो आपके स्किन पे आ रही है, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो पेशेंट क्या करते हैं कि इन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो दिल पे ले लेते हैं, और जब वो दिल पे ये बातों को लेते हैं तो उनका सीधे माइंड पे असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से सोरायसिस दोबारा से ट्रिगर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जिस चीज़ में आपको अच्छा फील होता है, जिस चीज़ में आपको लगे कि आप ये चीज़ कर रहे हैं और इनमें आपको खुशी मिल रही है,
तो वही चीज़ करिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और डाइट प्रॉपर फॉलो करेंगे, वायरल इन्फेक्शन से बचेंगे, लीवर को अपना मजबूत करेंगे, तो सोरायसिस दोबारा रीअपियर आपके स्किन पे कभी भी नहीं होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि जो बातें मैंने आज आपसे शेयर किया है वो अब आप उन चीज़ों को समझ रहे होंगे और आप अप्लाई ज़रूर करेंगे, ज़रूर सोचेंगे कि हाँ इन चीज़ों से हमारी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रही है, तो आप ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी पेशेंट सोरायसिस से सफ़र कर रहा है या किसी भी स्किन डिजीजेज से सफ़र कर रहा है, चाहे वो रिंगवॉर्म हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो एक्जिमा हो, या कोई भी डिजीज़ हो, मेल इनफर्टिलिटी हो, फीमेल इनफर्टिलिटी हो, किडनी से रिलेटेड, चाहे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई भी पेशेंट अगर सफ़र कर रहा है, तो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की एक टीम है जिनसे आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिकेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे ओपीडी में मिलना है तो आप ओपीडी में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कराएंगे, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।